अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी हैदराबादी शादियों में यह क्रीमी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मलाई गोश्त ट्राई किया है? अगर ट्राई किया है या ना किया हो, आप लोग इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी है ये। अगर आपके घर पार्टी है तो इसे ज़रूर इंक्लूड करें, आपके मेहमान उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। शादियों वाला मलाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, हड्डी वाला ले लें, थोड़ा सा फैट भी इसमें इंक्लूड कर लें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसमें डालिए 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डालिए 1 टीस्पून, बाद में हम चाख के डाल सकते हैं, 7 से 8 हरे मिर्चों का पेस्ट और 1 टेबलस्पून रा पपाया पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट। ये गोश्त हम बिना प्रेशर कुकर के बना रहे हैं। अगर आपके पास रा पपाया पेस्ट यानी कच्चे पपीते का पेस्ट ना हो तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गोश्त के साथ ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। गोश्त मैरिनेट होने तक हम एक दूसरा पेस्ट बना के रेडी रख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 12 बादाम, 12 काजू, 12 पिस्ता। इसे गर्म पानी में रख दें 10 मिनट के लिए, छिलका आसानी से निकल जाएगा। देखिए छिलका निकला हुआ है। इसे 100 ग्राम दही के साथ पीसिए। 100 ग्राम यानी 4 से 5 टेबलस्पून आप ले सकते हैं दही। साथ में थोड़े धनिया के पत्ते, 4 से 5 पुदीने के पत्ते भी पीस लें, अच्छी खुशबू आएगी। सभी पीस लें। पिसा हुआ पेस्ट रेडी है। चलिए कुकिंग के प्रोसेस की ओर अब बढ़ते हैं। एक विजल गरम कर लें और इसमें डालिए 4 टेबलस्पून भर के घी। इसे मेल्ट होने दें। घी गरम होने के बाद इसमें डालिए काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कबाब चीनी, देखिए इस तरह होती है, 1/2 टीस्पून, 4 लौंग, दालचीनी के छोटे पीसेस हैं 3, 3 इलायची, हरी इलायची। कबाब चीनी ना हो तो स्किप कर दें। घी गरम होने के बाद स्पाइसेस डाल दें, घी बहुत ज़्यादा गरम ना करें। स्पाइसेस डाल के सॉटे कर लें 15 से 20 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि इनकी खुशबू अच्छे से घी में आ जाए। 20 सेकेंड के बाद इसमें डालिए बारीक चॉप की हुई प्याज, एक बड़े साइज की। प्याज का वजन 100 ग्राम। अच्छे से फ्राई करिए गोल्डन होने तक। प्याज का रंग बदल गया है, गोल्डन हो चुका है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दें। ये गोश्त 1/2 किलो से थोड़ा ज्यादा है, 2 या 3 पीसेस ज्यादा होंगे। गोश्त डालने के बाद अच्छे से भूनिए इसे हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनिए। रा पपाया पेस्ट यानी कच्चे पपीते का पेस्ट यूज करने की वजह से हमें प्रेशर कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रेसिपी के लिए बहुत जल्द ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद अब फ्लेम को लो पे रख दें। लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाइए, बीच बीच में चेक करते रहिए, ताकि इन्हीं जूसेस में एटलीस्ट 50% तक गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे से पक रहा है, इसमें बहुत सारा पानी भी निकला है। नेक्स्ट इसमें ये पिसा हुआ पेस्ट डाल दें, थोड़े से पानी से क्लीन करके डाल दें। फ्लेम को हाई पे रख के मिक्स करिए अच्छे से, फिर से हाई फ्लेम पे पकाइए, अच्छे से भूनिए मसालों की कच्ची भुन जाने तक। भूनते जाइए ऐसे ही। इसके लिए फिर से हमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं या 5 मिनट। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए अब फ्लेम को लो पे रख दें। इसके ऊपर लिड बंद करिए और लो फ्लेम पे गोश्त कम्प्लीटली गलने तक हम ऐसे ही पकाते जाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहिए।
अगर आपको प्रेशर कुकर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से टेस्ट बहुत यूनिक आएगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाले डाल देते हैं। 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून यानी सफेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, यह हैदराबादी गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला। इसे मिक्स करिए और भूनते जाइए। अच्छे से भूनने के बाद इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम डालिए या दूध के ऊपर की मलाई पीस के डालिए। फ्लेम को मीडियम पे रख के मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालिए आधे नींबू का रस, थोड़ा सा नमक डाल दें आखिर में, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते मिक्स कर लें। गर्मा गर्म सर्व करें नान रोटी पराठा इन सभी के साथ। बहुत बहुत यम्मी रेसिपी है ये, अक्सर इसे शादियों में हैदराबादी शादियों में सर्व किया जाता है पराठा या नान के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।